सो फैमिली फिलहाल के लिए 12:40 और इस टाइम पर भाई मेरे पूरे घर पर लाइट नहीं आ रही। सिर्फ किचन की लाइट चल रही है, वाईफाई भी बंद पड़ा हुआ है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। स्विमिंग के सेट भी दोबारा से करना है सारा। तो एक बार फिर से पंजाबी के ब्लॉग्स थ्री चीज़ सुनाते रहेंगे। कैसे सारे आए, होप कि तुम सब बजे हो गए। मैं भी बजी हूँ भाई, इधर परोठी बन रही है, साथ में चाय बन रही है, तुम्हें दिख ही रही होगी। बाकी फिलहाल के देखो अभी स्विमिंग का सेटअप करना है सारा। जैसे लाइट आती स्विमिंग का सेटअप करेंगे, सारे सॉफ्टवेयर डिलीट करके दोबारा से डालने पड़ेंगे। देखूँ कि कल रात को जो दिक्कत आई थी उसके बाद ये चीज़ करना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम दोबारा स्विमिंग करेंगे। तो साथ साथ में होमवर्क भी करना है। मुझे नहीं पता मैं होमवर्क कैसे करने वाला हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है और PC भी चल नहीं रहा लाइट की वजह से। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जैसी लाइट आती है वैसे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं यहाँ। सो फैमिली फिलहाल के लिए 1:20 और यहाँ पर मुझे जो है मेरे फोन लाइट आ चुकी है। तो अभी PC का सारा कुछ रिस्टार्ट करना है, तो अभी रिस्टार्ट करते हैं। PC को पूरा अच्छे तरीके से सारे ऐप डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई सीन लैब के अंदर। तो सारा सीन करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले ये सब कुछ कर लेते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए बच चुके हैं 4 और यहाँ पर मैं अपने इस वाले फ़ोन को जो है रीसेट कर चुका हूँ। और भैया ये तो टिकटॉकर्स की फ़ोटो आ गई। तो एक मिनट भाई, अभी सेट नहीं है ना फ़ोन। हाँ तो अब ऐसे दिखा देते हैं। तो देखो इस तरीके से भी रीसेट कर दिया है, इसको फैक्ट्री रीसेट ही कर दिया था। अब बस मेन दिक्कत इसमें यह है कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो लिंक नहीं कर पा रहा मैं। बाकी PC का सीन ठीक हो गया है, जो सेटअप करना था वो सेटअप अभी तो हो गया है। 4:10 हो रहे हैं इस टाइम पर और फाइनली हो गया। मुझे नहीं पता कि अभी शाम को क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला थोड़ी देर में। तो फिलहाल तो मैं करने वाला हूँ अपनी वर्कशीट्स, क्योंकि मुझे करनी है अपनी वर्कशीट यार, थोड़ी सी पेंडिंग चल रही है। तो वर्कशीट करते हैं और साथ ही साथ फिलहाल तो गणपति बप्पा का थैंक्स है यार कि अपना PC जो सारा सीन खराब था वो हो गया। और ये वाला जो टेबल है ये भाई मैंने टेबल खाली करवा के ना इधर ही रखवा लिया है, क्योंकि पहले मैं चेयर पे रख रहा था अपने एलगाटो को तो दिक्कत आ रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि टेबल पे रखेंगे साइड पे और दिक्कत ना आए, बस यही चाहता हूँ मैं। और फिलहाल के लिए ठीक है, सारा कुछ हो चुका है। अब मैं वर्कशीट करता हूँ, देन तुमसे बाद में बात करता हूँ। पंजाबी के ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और मुझे पंजाबी ने बोला है कि मम्मी आगे की वीडियो आप बनाओ, तो उसी की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड। तो मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाती हूँ। लहसुन की 30 तुड़ियाँ ले लो, फिर उसको पीस लो। लहसुन को बिल्कुल बारीक कर लो। बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर। मैं बटर ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मात्रा में डालना है। 3 चम्मच बड़े बटर डालना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो। इसमें हम डालेंगे चॉप धनिया। धनिया को चॉप करके फिर हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। लहसुन और बटर में मैंने धनिया मिला लिया है और मैंने इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग मिलाई है, तो ये मैंने आधी चम्मच के करीब मिलाई है। अब हम इसको करते हैं मिक्स, तो फिर हम आगे देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। लहसुन धनिया बटर पिज़्ज़ा सीजनिंग इसको मिक्स करके रख दो कि इसमें लहसुन का बटर में अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए। अब हम साथ में इसमें यूज़ करेंगे अमूल की चीज़। आप गो की चीज़ भी ले सकते हो, कोई भी कंपनी की चीज़ ले सकते हो। अमूल की लाएंगे तो मैं अमूल की चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसको हम कुतर लेंगे। अब कुतरते हैं, फिर इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ। नॉच पैन हम गैस पर बिल्कुल लो फ्लेम में रखेंगे। मैंने ये ब्रेड की स्लाइस कर ली है। मैंने ब्रेड के स्लाइस पे वो गार्लिक बटर लगा दी है और ये मैंने ये चीज़ कुतर ली है। वो हम कुतरी हुई चीज़ ये ब्रेड पे लगाएंगे। ब्रेड के ऊपर ऐसे चीज़ लगा देंगे और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो भी डाल दिया कि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाए। और ये मैंने नॉनस्टिक पैन पे हल्का सा बटर लगा दिया है। मैंने ये तवे पे रख दिए हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसको हम ढक देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे कि जिससे चीज़ मेल्ट हो जाए और ब्रेड थोड़ी सी नीचे से क्रिस्पी हो जाए। तो अब हम इसको 5-7 मिनट बाद देखेंगे। ये देखिए चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है और ये अब खाने के लिए तैयार है। गरम गरम चाय के साथ, केचप के साथ आप इसको खा सकते हो।
हमारा भाई वर्कशीट कर रहा था तब तक मम्मी ने यहाँ पे जो गाली ब्रेड बनाई है यार, क्या ही गाली ब्रेड बनाई है, ओए होए मुंह में स्वाद आ रहा भाई देख के। तो फिलहाल के लिए अपनी वर्कशीट्स जो हैं वो भी थोड़ी सी रह गई हैं, कंप्लीट कर लेंगे इसको खाने के बाद। और मैंने मम्मी को कहा था कि भाई आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ काम, अब मेरे को था भाई ये भी दिखाना तुम्हें ज़रूरी है कि कैसे कैसे बनती है। तो ठीक है, इससे मेरे को आज की वीडियो टाइटल भी मिल गया जो तुमने देख ही लिया होगा, जिस टाइटल को देख क्लिक करा होगा। अब मैं वीडियो के लिए उस टाइटल का नाम लूँगा, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ कि उसको दो तरीके हैं मेरे पास, तो किस तरीके से रखा जाए। तो फिलहाल ये खाते हैं एंड मम्मी की व्लॉगिंग कैसी लगी तुम्हें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ठीक है, फिलहाल अभी फटाफट खाते हैं और इसका रिव्यू करते हैं फटाफट। मोटे जल्दी से टेस्ट तो प्रॉपर गार्लिक ब्रेड का आ रहा है, बस एक कमी आ गई थी टमाटो का चिप की। तो फिलहाल मेरे घर पर टमाटो का चिप खत्म है, तो ऐसे खाऊंगा मैं, ऐसे भी टेस्ट लग रही है। लेकिन मेरी गार्लिक ब्रेड ठीक है कि नहीं ठीक टेस्ट में? टमाटो केचप से मुझे कुछ नहीं लेना। गार्लिक ब्रेड एक नंबर है, नानी का एक नंबर को मुझे समझ नहीं आता, दस नंबर नहीं। एक नंबर बताता हूँ कैसे नानी का भी एक्सप्लेन करते हैं। एक नंबर रेसिपी दिखाई है तो तुम्हें भी रेसिपी मिल गई है, फटाफट जाओ बनाओ घर पे और मैं भी खा के मिलता हूँ फटाफट। तो भाई फिलहाल के लिए बच चुके हैं 7:10 और इस टाइम पर देखो अभी मैंने गाली ब्रेड सारा कुछ खा लिया है। देर मेरे को गाली ब्रेड खाया हुआ आधा एक घंटा भी हो चुका है, बहुत टेस्टी गाली ब्रेड बनी थी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। और मैंने आगे का ब्लॉग मम्मी को कंटिन्यू करने के लिए कहा था कि ब्लॉग कंटिन्यू करो जब तक मैं वर्कशीट्स कम्प्लीट कर रहा हूँ। तो मम्मी ने ब्लॉग कंटिन्यू करा, मुझे भी पता मम्मी ने ब्लॉग कैसे बनाया, जब मैं एडिट करूँगा तब पता चलेगा। तो तुम्हें कैसा लगा ये भी बताना। और फिलहाल मुझे अभी सारा सेटअप करना है इसका, आधे घंटे तक सारा सेटअप करेंगे इसका। और उससे पहले मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन को जो था वो फैक्ट्री रीसेट करी थी, तो सारा कुछ जो है अभी मैं काइन मास्टर डालने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर। तो जैसे डाउनलोड हो जाता है फिर देखते हैं, एक दो दिन के अंदर अगर फ़ोन सही चलता है तो ओवरले भी चेंज करते हैं। और फिलहाल यही सब चल रहा है। और साथ ही साथ तुम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, मेरे ब्लॉगिंग, मेरे गेमिंग, मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो प्लीज़ जाओ फॉलो मारो एंड मिलते हैं सीधा जब सेटअप कर लेते हैं। सो फैमिली फ्लाइ किलो 10:25 और यहाँ पर अपनी स्ट्रीम जो है वो ख़त्म हो गई है। और आज मम्मी राजमा चावल बना रही है, मुझे पता नहीं चला कि कब राजमा चावल ही बन गए हैं। तो पता नहीं आज मम्मी मूड में थी भाई अच्छा अच्छा खाना बनाने के, तो अच्छा अच्छा खाना बन गया आज। पिछले दो दिन से दलिया खाने के लिए मिल रहा था, तो फिलहाल राजमा चावल बन गए हैं और स्ट्रीम एंड हो गई है। 10:15 के करीब हमने स्ट्रीम एंड करी थी और कुछ व्यूज़ सब्सक्राइबर तुम सारे स्ट्रीम पर जाके देख सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा स्ट्रीम का। और फिलहाल राजमा चावल खाते हैं जैसे ही बनते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। जब तक के लिए मैं फ़ोन चार्ज पे लगा रहा हूँ, कि फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, स्ट्रीम कर रहा था तो ख़त्म हो गई, वो भी चार्ज लगाते हैं फटाफट। सो फैमिली फिलहाल के लिए 12:45 और अपनी एडिटिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो देखो अब इसके बाद क्या ही ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे हम रात के टाइम। तो ठीक है, मिलते तुमसे कल सुबह एक और नए ब्लॉग साथ, तब तक क्लिप बाय बाय। एंड जाते जाते एक छोटा सा सर्वे करना चाहूँगा, एक जो सवाल पूछना चाहूँगा कि तुम्हें आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के अंदर एक ये वाला साइन जो है, ये वाला इमोजी ज़रूर करना अगर पसंद आया, और अगर पसंद ना आया हो तो ये वाला इमोजी जो है कमेंट के अंदर ज़रूर करना। एंड वीडियो को डिसलाइक भी कर देना, लेकिन कमी बता देना साथ में कि क्या कमी है। तो फिलहाल के लिए ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं तुमसे कल सुबह 10:30 बजे को नए ब्लॉग से, तब तक क्लिप है भाई।